राजस्थान में एक बार फिर सियासत का पारा चढ़ सकता है। राजस्थान के सभी बड़े नेताओं को पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली तलब किया है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं बुलाया गया। इन सब के बीच राज्य में सियासी अटकलें भी तेज हो गई हैं। बीजेपी नेताओं के दिल्ली बुलाए जाने पर माना जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में बीजेपी कुछ बड़ा दांव चलने जा रही है। तो क्यों बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और वसुंधरा राजे को क्यों किया गया साइडलाइन, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में सियासी हलचल एक बार फिर बढ़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजस्थान बीजेपी के नेताओं को दिल्ली तलब किया है। नड्डा से मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुँच गए हैं। लेकिन इन सब में सबसे अहम बात यह है कि इस बैठक में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं बुलाया गया है। तो दूसरी तरफ अचानक से जेपी नड्डा के इन नेताओं के बुलाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछली बार जब ये लोग मिलने गए थे तब राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट शुरू हुआ था, लेकिन अब दोबारा राजस्थान से बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाने पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ इस मीटिंग के बाद राजस्थान सरकार को गिराकर बीजेपी प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव कर सकती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि ये सामान्य बैठक है और राजस्थान में विधानसभा के 3 उपचुनाव होने हैं, इसके अलावा निकायों के चुनाव होने हैं, इसकी तैयारियों के सिलसिले में ये बैठक बुलाई गई है। मगर इस बैठक में वसुंधरा राजे को नहीं बुलाने से ये संदेश साफ हो गया है कि राजस्थान बीजेपी की राजनीति में अब वसुंधरा राजे के दिन लद गए हैं। बता दें कि पिछले साल जुलाई में जब राजस्थान के बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था तो उस समय राजस्थान कांग्रेस में अफरा तफरी मच गई थी। सचिन पायलट ने अपने 1.5 दर्जन समर्थक विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बागी रुख अपना लिया था। इसके चलते 14 जुलाई को कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बर्खास्त भी कर दिया था। गांधी परिवार के हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट माने, जिसके बाद राजस्थान का सियासी संकट टला था। डीवी लाइव की रिपोर्ट।